और आइए इस वक्त आपको सीधे दिखाते हैं संसद की कार्यवाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, सुनते हैं। एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है, एक नए उमंग और उत्साह का वातावरण भर देता है, और इसलिए हर दो साल में जो होने वाली विदाई है वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है, वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है, जिस विरासत को वो यहां अपने कार्यकाल के दरमियान और अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयास करते हैं। जो आदरणीय सांसदगण अपने कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए
हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे साथी नए दायित्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस सीमित विस्तार से एक बड़े विस्तार की तरफ जा रहे हैं, राज्यसभा से निकल करके जनसभा में जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं उनका साथ, यहां का अनुभव, इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं तब देश के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बनकर के निकलेगा।